खबर धरियाबाद से। धरियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन सीके वाटिका परिसर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य एवं जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत की अध्यक्षता, सांसद अर्जुन लाल मीणा, प्रदेश सदस्य महेश शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान उपस्थित कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार बूथ सशक्त करने, शक्ति केंद्र के गठन अनुसार कार्य करने, पन्ना प्रमुख के दायित्व निभाने व भाजपा से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी की पार्टी है। आगामी विधानसभा उपचुनाव से पहले सभी मजबूती से कार्य कर गांव-गांव में भाजपा पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य करें, ताकि भाजपा पार्टी इस व्यक्ति को विधानसभा धरियावाद उपचुनाव के दौरान हाईकोर्ट जिस व्यक्ति को टिकट देता है उसको विजय दिलाने का हम सभी कार्य कर सके। सम्मेलन के दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेश शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल विजयवर्गीय, विशिष्ट प्रकोष्ठ विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हरि सिंह कोठारी, प्रधान हकरी देवी मीणा सहित धरियावाद, लसाड़िया, भबराना, लसाड़िया के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीटिंग में जाऊंगा भाई साहब। अभी मंडल अध्यक्ष आए हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, सम्मानित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज आपका 21 को उनके 2 साल और पूरे हो गए। आदरणीय गोपाल जी कुमावत साहब, जिला कार्यकारिणी में हमारे पड़ोस के ही विधायक आदरणीय ललित जी भाई साहब, संख्या में धरियावाद, लसाड़िया, भबराना और प्रतापगढ़ से आए हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के सभी मेरे साथी मित्र, सब लोग आज इस जिला कार्यकारिणी में आदरणीय गुलाब जी भाइयों से लेके, कार्यकर्ताओं से लेके, उनके परिजनों से लेके, जहाँ सारे हमारे कार्यकर्ता उनके परिजन, हम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनको स्वर्ग में स्थान। 2 साल तक जहाँ मुख्यमंत्री रहा कांग्रेस पार्टी का, वहाँ एक MLA नहीं जीता है बंगाल से, एक। समझ में आता है आपको? ये धीरे धीरे लंका जा रही है। क्यों जा रही है? अपने कर्मों से जा रही है। आज का कार्यक्रम सारे प्रदेश के जो हमारे 40 जिले हैं, पार्टी के प्रमुख सभी नेताओं को 2-2 जिलों का जिला बैठक करने के लिए कही। उसमें जो हमारी समन्वय समिति है जिले की, उसकी बैठक, जितने भी मंडल हैं उनके अध्यक्ष और पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी, मोर्चों के जो अध्यक्ष बन गए उनको, उन सब के माध्यम से पार्टी का जो एक संगठन का जो ढांचा खड़ा करने का अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत हमारा सशक्त मंडल बने, सक्रिय हमारा जो है वो बूथ तैयार हो जाए, और पन्ना प्रमुख, ये जो रचना है हमारी, इसका काम शुरू हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि इस महीने की जो 21 तारीख को योग दिवस के रूप में था, 22 तारीख का कार्यक्रम भंडारी जी की पुण्यतिथि के रूप में उनकी शताब्दी वर्ष का था, 23 जून के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के रूप में था, 25 तारीख को आपातकाल की उस काली छाया में देश के लोकतंत्र की जिस प्रकार से कांग्रेस ने हत्या की और अभी बड़ी ऊँचे ऊँचे भाषण ठोक रहे हैं, बेगुनाह लाखों लोगों को जेल में 18 महीने तक घुसने वाला यही कांग्रेस पार्टी है, उस दिन को याद है। और फिर 23 से लेकर के 6 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन तक हम सब अपने अपने क्षेत्र में इन कामों को करते हुए मैक्सिमम वृक्षारोपण, और उसमें लक्ष्य दिया है एक पोलिंग बूथ पर कम से कम 10 वृक्ष लगाने ही हैं, इससे अधिक लगे और लगाएं तो 52,000 राजस्थान में इस समय पोलिंग बूथ हैं। हमारा यह इसको ठीक प्रकार और एक सेवाई संगठन के तहत
इन दो महीनों में जो कोरोना की सेकेंड लहर आई उस समय सेवा के क्या क्या काम हमारे संगठन ने किए उसको सारा इकट्ठा करना और आगे की भी सेवा के काम निरंतर हमारा संगठन करता रहे उसके लिए कार्यकर्ताओं से पूछताछ करके प्रेरित करें। सर आपने एक वैक्सीन को लेके जो बात कही थी मोदी जी का जो फोटो वाले जो बात हुई थी फोटो में मोदी जी आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाते जो फ्री वैक्सीन दे रहे हैं उसको आप अपना फोटो लगा करके जनता को ये दिखाने का प्रयास करो कि वैक्सीन तो हमारी कृपा से लग रहा है उचित प्रदेश हमारे यहाँ फोटो का इस बात का नहीं है जो जिस पद पे होता है जिस समय उसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार में भी शीघ्र चुनाव मैं सोचता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ती है लगाते हैं लेकिन एक प्रोटोकॉल बना करके आया प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका फोटो लगे प्रदेश में भी है कि पार्टी का अध्यक्ष और अगर यहाँ मुख्यमंत्री है तो